हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रो एप्लीकेशन के वॉलेट में हम पैसे को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, इसी के साथ में हम किसी भी कंपनी के शेयर किस तरीके से खरीद सकते हैं और प्रॉफिट किस तरीके से ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाने वाला हूँ, क्योंकि किसी भी कंपनी के शेयर खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, वॉलेट में पैसे ऐड करना किसी भी तरीके से कोई बड़ी बात नहीं है, पर जिस कंपनी के हम शेयर यानी कि स्टॉक हम खरीद रहे हैं तो वो कंपनी कितना हमें प्रॉफिट करके देगी, सबसे बड़ी बात ये है, और किस तरीके से हमें प्रॉफिट करके देगी। तो सबसे पहले हमें अपने ग्रो एप्लीकेशन के वॉलेट में पैसे को ऐड करना होगा। तो चलिए, मुझसे यहाँ पर ये पिन मांग रहा है, या फिर मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट अपने दे देता हूँ, और उसके बाद में ग्रो एप्लीकेशन का जो डैशबोर्ड है वो हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो गया है। उसके बाद में हम अपनी प्रोफाइल पर सिंपली क्लिक करेंगे, ऐड मनी पर सिंपली क्लिक करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर 500 रुपये ऐड कर देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 500 रुपये हमने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। उसके बाद में हम ऐड मनी पर सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सिंपली क्लिक कर देते हैं तो हमसे यहाँ पर UPI पिन डालने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए हम अपना UPI पिन यहाँ पर एंटर कर देते हैं। हमने अपना UPI पिन है वो हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है, यस पर सिंपली क्लिक कर देते हैं, और इस तरीके से जो पैसे हैं वो हमारे वॉलेट में ऐड होते हैं, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है। और जो 500 रुपये हैं वो हमारे वॉलेट में यहां पर समझो ऐड हो गए हैं, जो कि आपने लाइव प्रूफ देख लिया। अब चलिए हम जान लेते हैं कि आखिर हमें कौन सी कंपनी के शेयर बाय करना होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि एक्चुअली में किस कंपनी कि जो शेयर हैं वो अच्छे हैं, यानी कि बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि शेयर बाज़ार कभी भी गिर सकता है, कभी भी उठ सकता है, इसके बारे में किसी को पता नहीं होता है। तो वो कंपनियां आपको सबसे पहले देखनी होती हैं, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं जोमैटो, ठीक है। तो इसके आप यहाँ पर शेयर खरीद सकते हैं। अब शेयर किस तरीके से खरीदना है, जैसे कि मैं इस पर सिंपली क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको मैं एक बात और बता दूँ, जैसे कि जो शेयर बाज़ार है वो कितने बजे शुरू होता है और कितने बजे बंद हो जाता है, तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको चलिए अपने ले चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो जो समय है, जैसे कि इस समय जो शेयर बाज़ार है वो यहाँ पर 11 है, उसके बाद में 3:09, ठीक है, 9:15 पर यहाँ पर जो शेयर बाज़ार है सुबह के शुरू हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कि देख पा रहे हैं, ठीक है, ये देख पा रहे हैं 9:15 पर, आप यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में 11 AM और उसके बाद में 3:15 और PM, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, उसके बाद में ये क्लोज हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो बंद होता है वो शेयर बाज़ार का समय है 4:00 का, मगर 4:00 से पहले ही पहले बंद हो जाता है। इसी शेयर बाज़ार में पैसा लगा रहे हैं और आप दिन में ही पैसे को निवेश करना चाहते हैं और दिन ही दिन में निकाल लेना चाहते हैं एक ही दिन में, तो आपको 3:15 से पहले पैसे को निकाल लेना है, और आप जब भी पैसे को निवेश करना है तो आपको यानी कि 9:15 पर जो बाज़ार है वो शुरू हो जाता है, ठीक है, तब आपको यहाँ पर पैसे को निवेश करना है। पर यह भी समझदारी रखनी है आपको कि आखिर कि कौन से कंपनी के जो शेयर है वो यानी कि बढ़ने वाला, महंगे होने वाला है, और कौन सी कंपनी का जो शेयर है वो सस्ते होने वाला है। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर यहाँ पर ले आया हूँ, तो आप यहाँ पर अभी देख पा रहे हैं, ठीक है। अब जो आप यहाँ पर खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो एक्स का एक शेयर है, ठीक है, वो यहाँ पर 260 रुपये और 2 पैसे 8 पैसे ऐसा कुछ दिखा रहा है हमें, ठीक है। तो ये हम अभी यहाँ पर नहीं कर सकते हैं क्लियर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बाय करना है, तो बाय का हमें यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल गया है, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कितने शेयर आप खरीदना चाहते हैं। तो फिलहाल तो मैं एक ही खरीद पाऊँगा, क्योंकि मैंने 500 रुपये ऐड करे हैं, 2 मैं खरीद नहीं सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर चलिए 1 क्लिक करता हूँ। अब आप यहाँ पर यानी कि लिमिट सेट करना चाहते हैं, या जो इस समय अभी
शेयर की वैल्यू है वो ही रखना चाहा तो भाई मैं तो मार्केटिंग के ही प्राइस पर अभी खरीद लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी खरीदना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे और जो हमने ऑर्डर कर दिया है यानी कि बाय कर लिया, ठीक है, उस पर हम सिंपली क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि मैं इस पर सिंपली क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, हालांकि मैंने प्लेलिस्ट बना लिया, प्लेलिस्ट में भी आ गया होगा जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं माइनस में जा रहा है, ठीक है, पर कुछ समय बाद यहाँ पर अभी ये प्लस में शुरू हो जाएगा, तो इसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा, ठीक है। हूँ जैसे कि ये दहाड़ी वाला देखने को मिल गया है, ठीक है, तो हम यहाँ पर इसे चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस पर सिंपली क्लिक करूँगा तो ये चेंज हो गया। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपको ग्रीन देखने को मिल गया है, ठीक है, तो ये हल्का सा ये ऊपर को बढ़ गया है, फिर तो उसके बाद में नीचे को आ जाता है, तो जैसे ही ये लाल वाले के जो बराबर में देखने को मिल गया इससे ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हमें यानी कि देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ग्रीन कलर में 0.07 जो कि आपको माइनस में देखने को मिल गया है, पर यहाँ पर ये प्लस में आपको देखने को मिलने लगेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा और उसके बाद में जो रिजल्ट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। पर आपको मैं एक बात और बता दूँ, जैसे कि शेयर बाजार पता नहीं है कि सेकंडों में क्या कुछ हो जाए, यानी कि गिर जाए या फिर उठ जाए, ठीक है, पर आपको इस तरीके से अगर आप ध्यानपूर्वक अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक प्रॉफिट हो सकता है। पहली बार पैसा इसमें पैसे को निवेश कर रहे हैं ऐसी जगह, तो आपको कम पैसों से शुरुआत करना है, ठीक है, और उसके बाद में जब आपको पूरी तरीके से जानकारी हो जाए तो आप फिर उसके बाद में अपनी इच्छा अनुसार आप जैसे चाहें पैसे को निवेश कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो ये शेयर है यानी कि जब मार्केट ओपन हुआ है तो एकदम यानी कि सुबह ही ऊपर चला गया है, ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे नीचे की तरफ आया है। अब जिसने सुबह ही इसमें पैसा निवेश किया हुआ होता, ठीक है, तो उसे तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया होगा। उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पर जो लोग पैसा निवेश करते होंगे निकालते होंगे, तो कहने का मतलब है वही आपको इसमें अच्छी जानकारी होनी चाहिए तभी आप यहाँ पर पैसे को यानी कि डबल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये सिग्नल मिल गया है, कभी ग्रीन हो रहा है कभी लाल हो रहा है, तो ये भी एक यहाँ पर देख सकते हैं जोमेटो का ही है जो कि मैंने आपको बता रहा हूँ जो कि मोबाइल पर और आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्रॉफिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको फटाफट यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आपको विड्रॉल यानी कि पैसे को निकालना किस तरीके से है। जो मेरे वॉलेट में बैलेंस है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 239 है। अब मैं चलिए यहाँ पर विड्रॉल कर लेता हूँ इसे, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी एक प्ले लिस्ट बना ली है और उसके बाद में यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो प्रॉफिट है हो ना हो पता नहीं, पर इससे आपको नज़र रखनी पड़ती है ऐसी चीज़ों पर, ठीक है, देख पा रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो चलिए मैं इससे विड्रॉल कर लेता हूँ, फिलहाल आपको इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जब आपको लग रहा है कि ग्राफ ऊपर की तरफ जाने वाला है, ठीक है, इसका एक पैटर्न बनता है, ठीक है, जैसे कि ये पैटर्न बना, ठीक है, अब ये ऊपर की तरफ जाएगा फिर नीचे की तरफ जाएगा, अब ये पता नहीं ये पैटर्न इतना लंबा बना है तो ये छोटा ही बने या फिर ये बड़ा बन जाए, ठीक है, ये किसी को पता नहीं होता है, पर इसी तरीके से यहाँ पर ये शेयर बाज़ार चलता है कुछ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बढ़ रहा है, ठीक है, आपको मैंने इसमें बिल्कुल लाइव ही दिखा दिया, ठीक है। चलिए मैं इसे सेल कर देना चाहता हूँ, तो फिलहाल अभी पता नहीं है जैसे मैं सेल करूँ ये घट जाए या बढ़ जाए, ठीक है, इसका भी कोई पता नहीं है, तो हम फिलहाल तो इसे सेल कर देते हैं और उसके बाद में मार्केट के ही प्राइस पर, ठीक है, जैसे कि एक है हमारा तो हम एक यहाँ पर डाल देते हैं और उसे सेल कर देते हैं, जैसे कि डन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम चलिए डन कर देते हैं और यहाँ से हम अपने उस पर जाते हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पर सेल कर दिया है और यहाँ पर हमें समय लग सकता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर आपको कुछ पैसों का यहाँ पर लॉस हो गया, ठीक है, कहने का मतलब है इतनी जानकारी होने के बावजूद भी, ठीक है, तो आपको यहाँ पर अगर आप इसमें पैसे को निवेश कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर तभी पैसे को विड्रॉल करना है जब आपको लगे कि हाँ भाई इसमें जो प्रॉफिट है वो हमें अब हो सकता है अच्छा खासा, ठीक है, तो जैसे कि देख पा रहे हैं, ठीक है, तो कुछ ही पैसों का यहाँ पर अंतर पड़ गया, ठीक है, और इसमें बड़ी आपकी अमाउंट होती तो आपको यहाँ पर बड़ा अंतर देखने को मिलता, ठीक है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब कुछ समझ गए होंगे, और फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है और ऐसे कि इन्वेस्ट से रिलेटेड जानकारी जानने के लिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपने अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं तो वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। और आप यहां पर देख पा रहे हैं जैसे कि ये ग्राफ है, अभी ये ऊपर की ही तरफ जा रहा है, ठीक है, जैसे कि ये है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल जाता, पर हमें यहाँ पर कुछ समय तक यहाँ पर रुकना पड़ता, ठीक है, और उसके बाद में हम विड्रॉल करते तो हमें प्रॉफिट देखने को मिल जाता बिल्कुल लाइव, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, वीडियोस को लाइक करें, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।